फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूं। तो आज हम लोग करेंगे 1 से 7 अगस्त के जो वीकली करंट अफेयर होता है, अगस्त का पहला वीक, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे प्लस एक्सप्लेनेशन। क्योंकि MCQs तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो डिटेल होता है वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है अगस्त का। ऐसे ही आगे भी वीकली करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे, और पर डे डेली करंट अफेयर तो मैं ऐसे ही लाती रहती हूँ। प्लस मेंस की जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, एज इट इज़ चलती रहेगी, तो उसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर, लेट्स स्टार्ट। हाल ही में 2 बार की ओलंपिक ऑस्कर विजेता डी हैवीलैंड का निधन हो गया है, और वे किस देश की हैं, की थी, तो ये हमें बताना है। तो 2 बार ऑस्कर विजेता है ये, तो इस क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। डी हैवीलैंड को क्यों जाना जाता है, तो उन्होंने 2 बार ऑस्कर जीता है, तो वो थी जापान की। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। 2 बार की ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैवीलैंड का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जापान के लोग ज़्यादातर इतने ही उम्र जीते हैं, 100 से प्लस में। उनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। इस अभिनेत्री ने कैप्टन ब्लड, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, गॉन विद द विंड, द स्नेक पिट, द हेयरेस जैसी फिल्म में अभिनय भी किया था। तो इनके फिल्मों के नाम भी आप एक आध याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है, तो ये सौंपा है बांग्लादेश को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे गए हैं, और इन रेल इंजनों पश्चिम बंगाल इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के गेट सेक्शन से रवाना किया गया, जबकि दूसरी ओर उन्हें दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया था। चलिए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है इसकी टका, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन से भारत, फ्रांस, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है भारत। ये पहली हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी अगर फर्स्ट न्यूज आती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स ऑफ बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रे अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, जो बुक आपने मेरे थंबनेल पे देखी थी वही ये बुक है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक का नाम हमें बताना है। इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, उर्जित पटेल, या इनमें से कोई नहीं, तो अगर आपने पिक्चर्स ध्यान से देखी होगी तो उसमें नाम लिखा था डॉक्टर एस जयशंकर। इस पुस्तक को हॉर्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, और एस जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री भी हैं। चलिए आगे बात करें। हाल ही में किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है, कपिल देव, राजीव रिसोड़कर, सुनील गावस्कर, या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है राजीव रिसोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद इंदौर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर राजीव रिसोड़कर ने तैयार किया, और इसे मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तो आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल लेना। विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, या सहयोग मंत्रालय, तो करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा हुई। इस कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित की है, तो ये की है 800 मेगावाट की।
बिजली व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित की है, जिसका विकास सिंगापुर की सेमकार्प इंडस्ट्रीज की भारतीय इकाई SEIL ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने का बिल पास किया है? भारतीय कांग्रेस कमेटी, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी, ऑस्ट्रेलियाई कांग्रेस कमेटी या जापानी कांग्रेस कमेटी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है अमेरिकी कांग्रेस कमेटी। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने का बिल पास किया है। भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा द्वारा अनुमोदित गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को सदन की विदेशी मामलों की समिति ने पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व विजय सप्ताह, विश्व महिला सहयोग सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसका उद्देश्य होता है विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया के शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बात करें, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो करेक्ट आंसर है 3 सैटेलाइट। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हाल ही में 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से GUAN-3 के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो करेक्ट है हरियाणा सरकार, क्योंकि ये लोग हरियाणा की ही हैं, इसलिए ये ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को 2 अलग-अलग आदेशों में खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले बबीता हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? मुंबई सरकार, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई? तो करेक्ट आंसर है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वालों को एक मंच पर लाना है। ये पोर्टल दिल्ली में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपने प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, तो ये याद रखेंगे आप, ये एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, और इस न्यूज़ को आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या मुद्दीज। तो बच्चों के लिए कौन सा संगठन काम करता है? यूनिसेफ, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कुछ समय पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी इस साल की करीब और 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर ढकेल रही है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है नासा ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। इन्होंने मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन को मार्स 2020 नाम दिया गया है। ये रोवर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणी की वस्तुओं को वर्चुअल शामिल करने की घोषणा की? यहाँ वर्चुअल आएगा, तो यहाँ आंसर है 371 श्रेणी की वस्तुओं को।
इसमें इन वस्तुओं जो 371 श्रेणी की वस्तुएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, कागज, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीन, स्टील बार और स्टील ट्यूब भी शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पॉल हैरिस अवार्ड दिया गया था। 31 जुलाई 2007 को पॉल हैरिस अवार्ड दिया गया था डॉक्टर सुधीर पारिक को। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ भवन बनाया गया, तो उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कराया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है। मालदीव, अमेरिका, मॉरिशस या जापान? तो करेक्ट आंसर है मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार भी जताया है। चलिए आगे देखते हैं। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? तो करेक्ट आंसर है यहाँ जर्मनी। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हाल ही में जर्मनी ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मॉस ने कहा है कि बर्लिन ने यह कदम चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया स्वरूप में उठाया है। इनमें से किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तकी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया? कपिल देव, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली? तो ये जो थे, ये सौरभ गांगुली के कोच थे अशोक मुस्तफी। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय कप्तान जो पूर्व थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जो सौरभ गांगुली, उनके कोच थे अशोक मुस्तफी। इनका लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया और वो 86 ईयर्स के थे। सौरभ गांगुली के बचपन के कोच अशोक जो थे वो प्रख्यात दुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटर के कोच भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार राज्य सरकार ने। बिहार सरकार ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के प्रचार के रोकथाम के लिए संजीवनी ऐप को लॉन्च किया और इस ऐप में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दे दी है और इस वर्ष की शुरुआत में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अगस्त को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हृदय प्रत्यारोपण दिवस, नेत्र प्रत्यारोपण दिवस, कान प्रत्यारोपण दिवस या दांत प्रत्यारोपण दिवस? तो करेक्ट आंसर है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आज ही के दिन मतलब 3 अगस्त 1994 को पहला हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सफल सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया था, इसीलिए आज ही के दिन हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम के गेंदबाज एलिस्टेयर के महज 29 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या इंग्लैंड क्रिकेट टीम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो करीब 11 साल पहले मैकडरमॉट ने साल 2009 में महज 18 साल की उम्र में प्रथम शैली क्रिकेट में करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने 29 साल की उम्र में ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है? जापान, चीन, कुवैत या ऑस्ट्रेलिया? तो ये है कुवैत। कुवैत ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। साथ ही इसराइल में यरूशलम के मंत्री की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुवैत द्वारा ईरान, चीन, लेबनान, स्पेन, सिंगापुर, मिस्र, श्रीलंका जैसे देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पे पहुंच गई है? ये आराम को लिखा है, अरब को नहीं है यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल या सैमसंग? तो करेक्ट आंसर है एप्पल। सऊदी आराम को ये कंपनी का नाम है, इसको पीछे छोड़कर एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुँच गई है। हाल ही में एप्पल कंपनी के शेयरों में 10% तक की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कितने वर्षीय रॉबिना एस्टी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये सबसे उम्रदराज है 99 ईयर्स की। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी हिम्मती लेडी है ये। अमेरिका की कैलिफोर्निया की रहने वाली 99 वर्षीय रॉबिना एस्टी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इन्होंने रिवरसाइड म्यूनसिपल एयरपोर्ट मैंने जेन फ्लाइट एकेडमी के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CIS के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने या सेबी ने? तो ये लगाया है सेबी ने। पूंजी बाजार विनियामक सेबी ने हाल ही में CIS यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माना भरने के लिए 45 दिन का वक्त दिया है, अन्यथा जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो 64 साल की उम्र में हुआ है उनका निधन, तो वो किस देश के में उनका निधन हुआ है? तो वो उस समय अमेरिका में थे, जापान में थे, सिंगापुर में थे या ऑस्ट्रेलिया में? तो करेक्ट आंसर है सिंगापुर में। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 ईयर्स की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया। उनका 6 महीने से किडनी का इलाज चल रहा था और अमर सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला है इनमें से? बीजापुर, रीभोई, बहराइच या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है बीजापुर, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो पहले स्थान पे है बीजापुर, दूसरे स्थान पे रीभोई जो कि मेघालय में है, तीसरे स्थान पे बहराइच उत्तर प्रदेश का है। अब नीति आयोग की बात करें, जिसने ये लिस्ट निकाली है, तो उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और CEO है अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? आबू धाबी में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है आबू धाबी में। तो आबू धाबी संयुक्त जो अरब अमीरात जिसे कहा जाता है UAE की राजधानी है, और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जैसे कि हमने बताया UAE, उसकी राजधानी आबू धाबी है। मुद्रा है UAE दिरहम और राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो हाल ही में सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हुआ, ये किस सम्मान से सम्मानित हैं? अशोक चक्र, पद्म विभूषण या पद्मश्री या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल राज्य से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों को सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। परियोजना का शुभारंभ उपराज्यपाल यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो करेक्ट आंसर है मेघालय में। कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर मिजोरम राज्य में ग्रीन एग्री योजना को शुरू किया गया। परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि के प्रबंधन को भारतीय कृषि में स्थायी रूप से एकीकृत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस संगठन ने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना की शुरुआत की है? अमेरिकन खगोलीय समाज, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, रॉयल खगोलीय समाज या फिर यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला? तो करेक्ट आंसर है अमेरिकन खगोलीय समाज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमेरिकन खगोलीय समाज, जिसे AAS भी कहा जाता है, इसके तहत ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग ने 25 जुलाई 2020 को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना या एस्ट्रोजन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटेसा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। नटेसा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के बाटेश्वर मंदिर, घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। ये दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया गया है। जिसे 1998 में देश के बाहर तस्करी कर लाया गया था। बलुआ पत्थर नटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है और ये 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान के प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा में इस तकनीक को नियोजित किया गया है। एक रोपण तकनीक जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन सहित हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर सीड का छिड़काव किया जाता है, तो इसे कहा जाता है एरियल सीडिंग टेक्निक। किस बीमा कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट अभियान हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है और ये अभियान कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए एक फसल बीमा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये पहला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 30 जुलाई या 31 जुलाई। तो करेक्ट आंसर है 1 अगस्त 2020 को। पहला मुस्लिम अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया, जिसमें 3 तलाक से मुक्ति की पहली वर्षगांठ को चिन्हित किया गया और इसे मुस्लिम महिलाओं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित होने के द्वारा एक गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बनाया गया था आज ही के दिन 2019 में, इसलिए इसको पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और कल्याण मंत्रालय? तो करेक्ट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का है, वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है। ये पुरस्कार अप्रैल 2020 के महीने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के ऑनगो उपमंडल कार्यक्रम को प्रदान किया। तब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है? मतलब कि अरब दुनिया ने, जो अरब पूरी कंट्री होती है, वहाँ पे एक पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे UAE भी कहा जाता है। और परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परमाणु रिएक्टर का नाम बराका है और खाड़ी तट पर आबू धाबी में ये स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो आप लोगों का ये जाना पहचाना नाम लुइस हैमिल्टन, इन्होंने जीता है फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम कर फॉर्मूला 1 कैरियर में 87th जीत हासिल की है। वे महान माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ऑप्शन से आप लोग को ये शिक्षा मंत्रालय लग रहा होगा, बट करेक्ट आंसर है इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इन्होंने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 तक स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हामिद बाकायोको।
राष्ट्रपति अल स्नेन ओटारा द्वारा नामित हामिद बाकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे पहले देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत थे। इसका निर्णय जुलाई 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू गॉन कालीबली की मृत्यु के बाद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च करने के लिए सिडबी ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है इसने ट्रांस यूनियन सिविल संगठन के साथ सहयोग। सिडबी की जो फुल फॉर्म होती है ये है लघु उद्योग विकास बैंक, और इसके साथ मिलकर ट्रांस यूनियन सिविल ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन करने में मदद भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय, कृषि और कल्याण मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसे ये अवार्ड दिया गया है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और इस मंत्रालय को छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए ये अवार्ड दिया गया है, मतलब रीज़न ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने साइबर हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो कि लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महीने तक चलाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तरकाशी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उत्तराखंड है। बाकी दो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और जापान तो आउट ऑफ द सिलेबस है इसमें। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र ने जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीजा के नियम में बदलाव किया है? तो ये किया गया है H-1B वीजा के बदलाव, इसमें वीजा के नियमों में। और ये एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। इस वीजा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? 2%, 5%, 9% या 15%? तो इसका करेक्ट आंसर है 5%। राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1% से बढ़ाकर 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है, जिससे राज्य के गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है खादी व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। इस कदम से अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने के क्षेत्र में और आयात घटाने में यहाँ पे मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? मतलब कोई अगर गलत उम्र अपनी बताता है तो 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? तो करेक्ट आंसर है इसका 2 साल। नए नियम 2020-21 के सृजन में BCIS ने कहा है कि उम्र में धोखाधड़ी करने पर 2 साल का बैन लगाने की घोषणा की गई है, लेकिन अगर खिलाड़ी मान लेता है कि उसकी उम्र में गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है।
हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें? तो करेक्ट आंसर है चौथे स्थान, फोर्थ स्थान पे भारत पहुंच गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में पेटीएम 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कप्तान कौन से कप्तान हैं सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं कप्तान के तौर पर? तो ये हैं इयोन मॉर्गन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 215 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसका आपने लोगों इसके थंबनेल पर देखा होगा इस वीडियो के? तो केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। वो लोगों देख के आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की जाएगी, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की है? 20%, 30%, 40% या 50%? तो करेक्ट आंसर है 50%। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और राज्य में महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? दिल्ली सरकार ने, महाराष्ट्र, राजस्थान या चेन्नई सरकार ने? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट और स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है? श्रीलंका कैबिनेट, भूटान कैबिनेट, नेपाल कैबिनेट या पाकिस्तान कैबिनेट? तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान कैबिनेट। पाकिस्तान कैबिनेट ने हाल ही में नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। इस राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ और पाकिस्तान का भाग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया गया, इस किसने किया? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया, जिसके साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है? कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत का ये राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में थेनजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया? मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय? तो ये किया गया मिजोरम राज्य में। हाल ही में मिजोरम में थेनजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य पर भारतीयों को उचित दाम पर गोल्फ की अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करना है। अब मिजोरम की बात करते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री हैं
पू जोरन थांगा और मिजोरम के राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम की राजधानी है ऐज़वाल और ऐज़वाल जिसे कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया इसे 21 जनवरी 1972 को और यहाँ की जनसंख्या लगभग है 11.2 लाख 2014 के अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ मैं। निम्न में से विशेष कोड टू विन किस लेखक ने प्रकाशित किए, बुक का नाम है विशेष कोड टू विन, निरुपमा यादव, शशि थरूर, अरविंद अडिगा या रोहिंटन मिस्त्री। तो करेक्ट आंसर है निरुपमा यादव। हाल ही में निरुपमा यादव ने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। ये पुस्तक सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विशेष गुरुवंशी की जीवनी पर आधारित है। इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है उस दिन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया, 73 ईयर्स की, 83, 93 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है 83 ईयर्स की आयु में। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन 83 ईयर्स की आयु में हो गया। वह आयरलैंड के प्रमुख नेता थे। जॉन ह्यूम ने उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी जिससे वर्ष 1998 में डेविड ट्रिम्बल के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। तो आज के क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और कौन सी नई चीज़ आप देखना चाहते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।